तंत्र मंत्र के चक्कर में एक परिवार 15 दिनों तक घर में बनाई गई बच्चे की कब्र पर बैठकर रोता रहा और तांत्रिक अपने झांसे में लेकर परिवार को आश्वासन देकर फरार हो गया। दरअसल मामला मुरादाबाद जनपद के कुंदरकी थाना इलाके के ऊंचा कानी गाँव का है, जहां के रहने वाले बबलू ठाकुर के 14 वर्षीय बेटे वरुण की घर में सोते समय सांप के डसने से मौत हो गई थी। जब वरुण को सांप के डसने की जानकारी परिजनों को हुई तो वह उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। परिवार वालों का मन नहीं माना और लोगों के कहने पर सपेरों और तांत्रिकों से संपर्क किया। कुछ सपेरों ने 2.5 लाख रुपए मांगे तो एक तांत्रिक ने 14 दिन में बच्चे को जिंदा करने का आश्वासन दिया, जिसके कहने पर घर में एक कब्र बनाई गई और बच्चे को उसमें दबा दिया गया। तांत्रिक द्वारा कई दिन तक तंत्र मंत्र किया गया, उसके बाद वह 14 दिन में कब्र खोलने की बात करते हुए वहां से चला गया। इस बीच वरुण के परिजन 14 दिनों तक भूखे प्यासे कब्र के पास बैठकर रोते बिलखते रहे और अपने बच्चे के जिंदा होने का इंतजार करते रहे। लेकिन 14 दिन बीत जाने के बाद परिजनों ने जब तांत्रिक से संपर्क करने की कोशिश की तो उसने उनका फ़ोन नहीं उठाया। वहीं जब 15वां दिन आया तो ग्रामीणों को तांत्रिक पर शक हुआ, इसके बाद उन्होंने कब्र खोल डाली। जब कब्र खोली तो अंधविश्वास की आंखें भी खुल गईं। बच्चे के शव को देख ग्रामीणों के होश उड़ गए, क्योंकि शव पूरी तरह से सड़ चुका था। परिजनों ने आनन फानन में बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। तांत्रिक के धोखे के बाद पूरा परिवार और गाँव के लोग बेहद नाराज़ हैं। वहीं तकनीक के इस दौर में अंधविश्वास पर भरोसा करने वाले लोगों की आंखें खुल गई हैं। इसके साथ ही लोगों का तांत्रिक के खिलाफ खासा आक्रोश है। ये हुई थी 9 तारीख को एक सांप ने एक बच्चे को डसा था, उसे काफी जगह दिखाया, डॉक्टरों के पास ले गए लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया। उसके बाद इनके रिश्तेदारों ने बताया कि भाई तांत्रिक हमारी जानकारी में है, चलो वहां दिखा लेते हैं। उसने जो है फोन पे ही इनको बता दिया, बोले भाई गड्ढा करके उसे दबा देना। उसे जो है गड्ढा करके दबा दिया। फिर वो उसने बोला 3 दिन बाद आऊंगा। 3 दिन बाद वो आया था, उसके बाद उसने देखा, कुछ अपनी तंत्र विद्या करी, उसके बाद वो चला गया, बोले अब मैं 19 तारीख को आऊंगा। उसके बाद जाने के बाद उसने जो 18 तारीख से फोन उठाना बंद कर दिया। अब वो 18 तारीख से फोन नहीं उठा रहा। आज उसकी बॉडी को उखेड़ा गया तो सारी बॉडी डैमेज हो गई, पूरी तरीके से बदबू उसमें आने लगी। अंतिम संस्कार कर दिया, अंतिम संस्कार उसका कर दिया। तांत्रिक कहाँ का था, कुछ पता? अलीगढ़ साइड का था। नहीं मिल पा रहा है अब ना, कोई नंबर भी नहीं लग रहा, कोई संपर्क नहीं। पैसों की भी मांग कुछ तांत्रिक को लेकर? वो दूसरे वो थे सफेरे, वो उन्होंने बोला था, बोले 2.5 लाख रुपए हमें दो और बॉडी, हम जो ऐसे अपने ले जाएंगे ठीक कर लेंगे, ऐसा वैसा उन्होंने बोला था, लेकिन गाँव के लोगों ने मना कर दिया। क्या लगता है आपको, वो धोखाधड़ी? वो धोखाधड़ी है, सब कुछ ये बकवास है।